बढ़ते हैं पंजाब के छोटे शहरों के लिए अच्छी खबर है। बुज़दार हुकूमत ने तरक्याती कामों के लिए फंड्स जारी करने का फैसला कर लिया। तरक्याती फंड्स के बारे में मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, ये बताइएगा कि किन शहरों के लिए फंड्स होंगे, कब जारी होंगे और कितना बजट है इनका? जी बेसिकली जो अब सियासी सूरत हाल है उसके पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि खजाने का मुंह जो है वो अब अरकाने असम्बली और मुख्तलिफ शहरों के लिए खोला जाएगा, क्योंकि पहले तीन साल तो तरक्याती फंड ज्यादा नहीं रखे गए, लेकिन अब जो आइंदा माली साल के दो बजट हैं पीटीए हुकूमत के उसमें ज्यादा से ज्यादा तरक्याती फंड रखे जाएंगे। जो छोटे शहर हैं उनके 3 से 5 अरब रुपए सालाना उन्हें मिलेंगे और जो उससे बड़े शहर हैं यानी कारपोरेशन हैं 10 लाख आबादी है जिनकी, उनमें 10 से 15 अरब रुपए के सालाना तरक्याती पैकेज होंगे, जबकि जो मेट्रोपोलिटन शहर हैं उनके लिए 25 से 30 अरब रुपए के तरक्याती फंड हैं। लेकिन जो लाहौर शहर है उसके लिए पंजाब हुकूमत की ये तजवीज है कि कराची की तर्ज पर स्पेशल पैकेज रखा जाए और उसमें 100 अरब से जायद की तजवीज वफाक को दे दी गई है, क्योंकि कराची के लिए अगर के इससे ज्यादा पैकेज है, लेकिन क्योंकि यहाँ पंजाब हुकूमत भी पीटीआई की है यहाँ 100 अरब से जायद की तजवीज दी गई है वफाकी हुकूमत को। और ये जो फंड्स की तकसीम होगी ये पीटीआई के अरकान असम्बली के मुताबिक होगी, यानी यहाँ जहाँ पर शिकस्त हुई है ज्यादा एकाधाई कोई पीटीआई रुकन है वहाँ पर कम फंड्स दिए जाएंगे, और जहाँ ज्यादा अरकान असम्बली हैं जैसे मुल्तान है, फैसलाबाद है, इस तरह जो भी पंजाब के शहर हैं वहाँ पर ज्यादा तरक्याती फंड दिए जाएंगे, यानी मुस्लिम लीग नून जहाँ से जीती है पंजाब में वहाँ पर फंड्स कम से कम दिए जाएंगे। और इनमें ये भी बता दूं कि जो जहांगीर तरीन के साथ इस वक्त अरकान असम्बली हैं वो भी शामिल हैं, उनको भी उसी तरह फंड्स मिलेंगे। और ये उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला हैं उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं और ये बिल्कुल इस पर बड़े खुश हैं, राजी हैं। और मुस्लिम लीग काफ के जो दो शहर हैं गुजरात मंडी बहाउद्दीन उनको भी अच्छा पैकेज देने का फैसला हुआ है। सियासी सूरतेहाल के पेश नजर बजट 2021-22 और 22-23 में तरक्याती फंड्स बढ़ाए जाएंगे। नईम अशरफ भट्ट, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। कराची में पेट्रोल पंप मुलाजमीन की मुबैना गफलत से एक इंसानी